वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राही संबोधन किया सी, जिते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद वो जिहड़ी वीडियो है वह पुलिस की कस्टडी बनी है, क्योंकि उस वीडियो मैं जी बुरे बारे देख रहा कि सो मेरी एक संगतां नूं अपील है भी देखो, पहले दी मेरी आदत नहीं भी मैं बैठ के सामने सामने वीडियो बनावा। तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे उहदे च भी मैं कैमरे वाल बहुता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल जिहड़ी मुख मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आप हर चीज़ को कॉन्सपिरेसी नहीं समझना, सतगुरु सच्चे पातशाह की ओट सदका आप गुरु की खेड़ में वड्या समझिए, यह नहीं भी आप मतलब हिंदुस्तान की सरकार या पुलिस को वड्या समझ लग पीए, कलगीधर पातशाह की जी करामात उन्होंने वड्या समझिए, एडे किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो कढ़िया है तो वह किसी मकसद वास्ते कढ़िया है। जिन्होंने ये लगता है भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों को छड्ड गया, ये गल भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे। देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए, इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पैरा दे रहे हैं, जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह शुरू हो जाता, इस तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतों को एक अपील है, मैं जो अब बहर हैं सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो मैंने बहर रख्या है इस घेरे तो वह अर्थ यह है कि मैं अपने साथियों लिए कौम के नौजवानों लिए कौम के हितों की कुछ कर सकता तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे और इस संगतां दे विच भी विचरांगे। इदां दी कोई गल नहीं, मैं उन्हां चों नहीं हैगा भी जिहड़ा कहणगे मुल्क छड्ड जा जी, मुल्क छड्ड के बाहर चल गया वह हुण बाहरों जा के लोगों नूं वीडियो पा के मैसेज देऊंगे, इदां दी गल नहीं। हाँ, जिहड़े बगावत दे दिन हुंदे आ उहनूं कटदिआं बहुत कुछ सानूं झलणा पैंदा, बिखड़े पैंडे ते तुरना पैंदा, मीलां मील भी बाई बाई मील सफ़र दिन हर दिन पैदल करना, यह कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठी पैर प्रशादा छकना जी कि मिल गया, नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना, ये जिहड़े दिन ने बगावत दे कटने औखे ने। पर मैं संगतों को एक अपील करना है कि आपने चढ़ती कला च रहना, चढ़ती कला च रहने का अर्थ यह हों भी असी जदों इस राह पर तुरीए, इस मार्ग पर तुरीए तो सानू पहले ही पता हों भी आप जे राह तुरे हैं कंडे वाला राह है, सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया है और किला छड़ के माछीवाड़े के जंगलों के गए ने, पैर कन्या लहूलहान हो गए। सो वो रास्ते जोड़े धर्म की नगरी के उत्ते तैयार करने पैंदे। मेरी जी संगतों को अपील है कि मैं एक कॉल दिती सरबत खालसे वास्ते, मैं जथेदार साहब नूं तां कहा कि जथेदार साहब ने एक सद्दा दिता सी मीटिंग करके कि समूह जथेबंदियां पहुँचण, जथेबंदियां पहुँचियां उत्थे, जिन्होंने हमायत च कीता गल उन्हां दा भी धन्नवाद, जिन्हां विरोध च कीती उन्हां दा भी धन्नवाद। मैं किसी के विरोध च नहीं गल करनी, कोई भी समा नहीं किसी का विरोध जन जी नहीं करता। कौम ते भीड़ आण बढ़ पई होवे ते सानू एक दूजे दे हक च खड़ाउणा चाहिए। जथेदार साहब ने एक जिहड़ी उदम किया वह चंगा है, उस च कुछ नहीं शामिल किया गया, मैनूं लगता भी सारे लिए खुला सद्दा होना चाहिए सी, पर जो हो गया सत वचन है। हुण उस तों बाद च जथेदार साहब ने कहा छोटियां वीरां कढ़ांगे। देखो वीर शब्द जदों असीं पंजाब आण के इस पुरातन शब्द नूं रिवाइव किया, इहदा अर्थ है वीर कत्तणी, कत्त के भाव इस पासे नूं तुर लैणा ते फिर किसे रोक की परवाह नहीं करनी, जदों वीर तुर पैंदी है वह किसी को रोक नहीं सकती। जथेदार साहब जी, जे वीर कढ़णी है तो मेरी एक बेनती है, ये जो तुम प्रवान करो तो चंगी गल, क्योंकि तुहाडी भी प्रीख्या है, साडी प्रीख्या जो असीं लंघ रहे हैं पर तुहाडी भी यह प्रीख्या है भी जथेदार के अहुदे ते जो जथेदार साहब के अहुदे ते हुंदिआं तुहाडी यह प्रीख्या है भी तुसीं अज कौम दे लई कितना डट के हक च खड़ सकदे जो। सो जे तुसीं वहीर कढ़णी है तो तुहानूं यह वहीर जिहड़ी है इस तरीके नाल कढ़नी चाहीदी, अकाल तख्त साहब तो शुरू हो के कुछ दिनों के वहीर दमदमा साहब पहुँचे विसाखी तो उत्थे सरबत खालसा हो गए। तो मैं ये कदे भी नहीं कहा भी वहीर नहीं कढ़नी चाहिए, मैं ये कहा भी वहीर कढ़नी है, पर जी पिंडां नूं छोटियां वहीरां लोगों नूं जागरूक करना ये खाना पूर्ति है, लोग पूरे जागरूक ने और लोगों नूं होर जागरूक करन दी लोड़ नहीं, सगों संगतां नूं मोबलाइज़ करन दी लोड़ है, संगतां नूं इकट्ठे करन दी लोड़ है, उन्हां चों हुकूमत दा पै कढ़न दी लोड़ है। सो अज सानूं लोड़ है असीं इकट्ठे होईए, इकट्ठे हो के कौम लई खड़ीए, तो जिन्हां नूं ऐ लगदा कोई नहीं इस धरती ते ही आ, इस धरती ते ही अपना लहू डोलना। सो इस करके ये गल दी आपां बकवास छड्ड दईए भी मैं कितने भगौड़ा हो जाऊँगा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्नी बरकत इन्नी कृपा इन्नी रहमत मेरे ते कीती है कि मैं सुपने दे विच भी भगौड़ा नहीं होना सोच सकता। कईयां ने कहा सी उन्हें केस कतल करा ले होणी, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने बेबुनियाद ने, केस कतल कराउण तों पहलां जिहड़ा सिर दा खोपड़ा असीं लवा सकदे, केस कतल कराउण बारे सोच भी नहीं सकते। सो मेरी संगतां नूं अपील है, मेरी होर ना सारे नूं अपील है भी किसे अग्गे हाथ जोड़ के तरले नहीं करने, ठीक है। संगतां नूं संबोधन कीता सी मैं पहली वीडियो 'च, इस करके मैं संगतां नूं संबोधन करदिआं निमरता तो मैं वैसे नीवी पा के गल करता हूँ, जो हुकूमत को संबोधन मैं हूँ कर दिना भी हुकूमत तो ना मैं कल डरता सी ना अज डरना, हुकूमत ने जो करना कर ले,
हाँ ये गल है, गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लई मैं कोई शर्तां नहीं रखियां। जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रहियां मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं सी कीती। जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रहियां भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्तां रख दित्तियां गिरफ्तारी दियां, कि थाने च जी उहदे नाल कुटमार नहीं कीती। जब मैं कहिंदा जिहड़ी कुटमार करनी जिहने कर लवे, जिहड़ा तशद्दुद किसे ने करके वेखणा करके वेख लवे, ना तशद्दुद तों डरदे हां ना बंद बंद कट्टण तों डरदे हां। सो इस करके मेरी संगतां नूं अपील है किसी भी गुमराह को प्रचार च नहीं आउणा। मैं चढ़दी कलां च अज दी तरीक तक मैं चढ़दी कलां दे विच हां, और अज तो बाद सतगुर के हाथ है सारा कुछ। जे सतगुर ने इन्निया संकटों च राखी की है तो अगे भी करता रहूगा। महाराज वो घर च किसी का घाटा नहीं, मेरी वोट उस पर है, मेरी वोट दुनियावी ना तो अदालतों पर है ना किसी होर गलते है, मेरी वोट सतगुर सच्चे पातशाह की कचहरी पर है। उन्हें इंसाफ मेरे नाल करना है। संगतों को मेरी अपील है भी तुम दृढ़ रहना, तुम ढेंदी कला च नहीं जाना, ना ढेंदी कला वाले कोई गल करनी है। और मेरे परिवार को मेरे को अपील है भी तुम्हें भी कोई ढेंदी कला वाली गल नहीं करनी। एवं नहीं हाथ जोड़ के कही जाना कि देखो जी साथ दो, सारी संगत साथ दे रही है, कोई नहीं। जो कोई नहीं भी दिंदा इस खत को सच्चे पातशाह का पैंडा है। इस मार्ग से चलते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जितों आनंदपुर साहब का किला छड़ते हैं, तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे भेड़ ले सी, लोगों ने कहता सी अपने पुत मरवा गए, हम साडे मरवाउण आ गए। सो मैनू ऐ लगता भी आपां नूं संगतां दा साथ जिहड़ा है वह संगतां ने आप ही दे देना है। आपां चढ़दी कला च रहिए, सतगुरु का भाणा मनीए, ये भाणा मनने ही सारा कुछ होना है। जो भाणे तो उल्ट जाके गल करांगे वो होनी भी नहीं गी। सो भाणे च रह के सारा कुछ होना है। सो इन बेनती है सरबत खालसे की काल जथेदार साहब देन, जे नहीं देंदे तो उन्होंने प्रीख्या की घड़ी है कि वह कौम लिए की कर ली संजीदा ने, की नहीं कर ली संजीदा ने। उन्होंने उत्ते एक इल्जाम लगता भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये उत्थों भी मुक्त होने का समय है। सो अज आप बध चढ़ के जरा सरबत खालसे की काल के हिस्सा पाइए। संगतों को मेरी अपील है भी तुम संगती रूप से पिंडा अनाउंसमेंटा करो कि विसाखी के उत्ते दमदमा साहब सरबत खालसा सद्या जाए। इन बेनती है जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। Ow!